हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत महीनों के बाद, फाइनली आई हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग। और आप सबको तो पता ही रहेगा, मुंबई में 4 या 5 दिन से बहुत बारिश हो रही है, मतलब बहुत। और आप सबको तो भी ये तो पता ही रहेगा कि मुंबई में हर साल बाढ़ आती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अपने यहाँ पे उल्लास रिवर है, तो आज मैं वहीं पर जाने का सोच रहा हूँ। गाइज, आप देख ही सकते हो बाहर बहुत भयानक बारिश हो रही है। अब शायद ही मैं वहाँ पे जा पाऊँगा, नदी पे शायद ही जा पाऊँगा, लेकिन कोई नहीं, अभी जाने का सोच लिया है तो जाके ही रहेंगे। और गाइज, बारिश की वजह से शायद ही आवाज़ मतलब अटक अटक के आ रही है, फिर कम आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। हाँ, मैं आपको छत के ऊपर का सीन दिखाता हूँ, चलो छत पर चलते हैं। गाइज, बहुत मतलब बहुत भयानक बारिश हो रही है, अभी छत पे भी मुझे छाता लेके जाना पड़ रहा है। चारों तरफ बहुत भयानक बारिश हो रही है भाई, लगता है आज बाढ़ आ ही जाएगी। कसम से अगर ऐसे ही बारिश गिरती रही ना तो 100% बाढ़ आ जाएगी अपने यहाँ पे। तो गाइज, मम्मी ने भेजा है मुझे शॉप पे, तो मैं जा रहा हूँ अभी शॉप पे सामान लाने के लिए। तो अभी मैं शॉप पे जाके आता हूँ। भाई, बारिश में शॉप पे जाना पड़ रहा है। तो गाइज देखो, फाइनली बारिश बंद हो गई है पूरी तरह से। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी पे, देखता हूँ क्या सीन है वहाँ पे। और मैं अपनी बाइसिकल लेके जा रहा हूँ, ये वाली, बहुत मतलब बहुत सालों के बाद बाइसिकल चला रहा हूँ। ये है मेरी बाइसिकल, जो कि मैंने 6 या 7 साल पहले परचेस किया था। यहाँ से तकरीबन नदी आधा किलोमीटर दूर है, आधा नहीं मतलब 200-300 मीटर। बाइसिकल चला के बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज भी होता है। और देखते क्या सीन चल रहा है, सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, अब जाके कितना, 5 बजे, शाम के 5 बजे बंद हो गई। और ये क्या, पीछे देखिए भाई, पेड़ गिर रहा है वहाँ पे। अभी मैं ध्यान से नहीं चला तो मैं टूक ही जाता। उल्लास रिवर तो पूरी चाकच भर चुकी है भाई साहब, कितना पानी बढ़ गया है, जैसे कि एक छोटा डैम ही है वो भाई साहब। ये देखो गाइस, यहाँ तक पानी आ गया है, मतलब बाढ़ आने की पूरी मतलब पूरी पॉसिबिलिटी 100% है। पानी मतलब वहाँ बीच में रहता है, मैंने आज जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं आया था एक बार इधर, यहाँ का पानी मतलब 4 गुना बढ़ गया है। नदी का पानी इतना नहीं था, लेकिन अभी तो आप देख ही सकते हो कितना बढ़ चुका है पानी। अरे बाप रे, ओ भाई साहब, ये पानी इतना है ना कि मतलब जितनी एक्चुअल में नदी रहती है, जितना पानी रहता है नदी में, उससे 4 गुना पानी बढ़ गया है। और आप सबको तो पता ही है, मुंबई में मतलब हर साल बाढ़ आता है, तो इसी वजह से बाढ़ आता है। चलते हैं थोड़ा आगे, देखते क्या सीन है वहाँ का। ओ भाई साहब, यहाँ पे नीचे कुछ लोग खेती करते हैं, वहाँ पे भी पूरा पानी भर गया है, आप देख ही सकते हो इधर से, मतलब बहुत बड़ी ढलान रहती है यहाँ पे, लेकिन ढलान तो मतलब गायब हो गई पानी, जैसे ही पानी बढ़ गया ढलान तो गायब ही हो गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब एक्चुअली हमारे गांव में बाढ़ कैसे आती है, तो मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। देखो यहाँ से पानी, और ये हमारा जंगल है छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ से पानी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ऊपर आता है, और
वहाँ से ओके लेफ्ट टर्न लेती है रिवर, अपना जो नदी है ना अपना लेफ्ट में चली जाती है, तो वहाँ का पूरा पानी नेतर नदी का वो बढ़ते, जैसे ही मतलब ज़्यादा हेवी हेवी रेनफॉल होता है, तो हेवी रेनफॉल की वजह से पानी बढ़ते 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 उधर से गांव में आता है और इस साइड से इधर से गांव में आता है। बाढ़ की वजह से मतलब गांव पूरा ब्लॉक होता है, तो जाने के लिए बस वहाँ से मतलब एक ही रास्ता बचता है, तो वहीं से जाना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछली छलांगे मार रही है। नीचे चलते हैं। ओह ये तो अभी इधर है, लेकिन जैसे ही मतलब हेवी रेनफॉल मतलब चालू रहेगा, पानी चालू रहेगा, बारिश चालू रहेगी, तो गांव में पानी आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। इधर से जाने के लिए रास्ता था, लेकिन अभी पानी की वजह से पूरा ब्लॉक हो गया है, जा नहीं सकते, तो अपने को अभी यहीं से रिटर्न जाना पड़ेगा। वो देख रहे हो आप, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप देख रहे हो पानी बढ़ गया है, तो अभी अपने को यहीं से रिटर्न जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, आज के लिए गाइस इतना ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, चलो घर पे चलते हैं। चलते हैं घर पे। मैं आ गया हूँ अभी घर पे, कीचड़ में गंदा हो गया था, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट नहा धोने के बाद मिलूँगा। अभी डिनर चल रहा है और डिनर में रोटी, मूंग दाल और आलू कड़ी, आलू की बड़ी। तो दो तीन दिन रोटी लेके बैठ दी है, दो रोटी में ही हो गया आज। और मम्मी देखो तीन तीन रोटी लेके बैठी और हंस भी रही है अभी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, तभी भी पिएगी, हिलका ध्यान ही नहीं रखती। देखो तभी भी इतना बोल रहा हूँ फिर भी कैसे मुस्कुरा रही है, देखो नजदीक से देखो। ये आलू बड़ी गई अपनी होममेड है, अपने घर के आंगन में ही उगा, मम्मी ने उगाया, मतलब इसको ना मम्मी ने आलू के पत्ते मतलब बच्चे की तरह उगाया है, बच्चे की तरह पाल पोस के उगाया है, बड़ा किया है समझो। हमारे भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं उतना इस आलू के पत्तों का ध्यान रखती है। तो गाइस डिनर हो गया है और आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।